दोस्तों, ये एक घर और आ चुका हूँ जहाँ पे बिजली काट दी गई है। ये भी वासरी के ही सदस्य हैं जिनकी बिजली बहुत दिनों से काट दी गई है। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार नांगले। आपको क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? मतलब ये हमारी अपने डब्ल्यूसीएल वाले ने बिजली काट दी है। अच्छा, तो आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हो? हाँ, करीब करीब 25 साल से हो गए। 25 साल से हो गए हैं। और आप लोग कितने सदस्य हो घर पे? जी, हम लोग चार दो सदस्य हैं और दोनों पेशेंट हैं। पेशेंट है। हाँ, मतलब आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे खतरनाक बीमारी है, मल्टीपल माइलोमा। ओ, और जो माता जी बैठी उनको? इनकी 72 साल की उम्र हो गई है हाँ। और इनके भी हाथ पैर दर्द और घुटने दर्द और मतलब एक प्रकार से काफी बीमारियां इनको भी है। तो ये देखिए, ये टार्च के उजाला में खाना खा रहे हैं। तो फिर आप खाना कैसे बनाते हो माता जी? अरे भैया, पकड़ते पकड़ते जाना पड़ता है। तो अब दिक्कत नहीं होती आपको? होती तो अब क्या कर रहे तो बेटा, डब्ल्यू सेल आपको बिजली क्यों नहीं दे रही है? हम रिटायरमेंट है मुंबई, मतलब, और एमपीपी भी नहीं दे रही है? मैं रिटायरमेंट हूँ। तो रिटायरमेंट कोई गुना थोड़ी ना, आपने भी मजदूर वर्क है, आपने भी यहाँ 30-35 साल काम किया कंपनी में, और आपकी बिजली ऐसे कैसे काट? देखिए, इनका खाना ये रखा है, ये मेरे फ्लैश का उजाला है, बाकी ये इनका घर का ये नज़ारा देखिए, और बाकी के घरों में बहुत उजाला है, ये देखिए। तो आपको बहुत दिक्कतें होती होगी इस हाँ, समय। मेरे को तो होती है ना, क्या करूँ, मजबूरी है बेटा, मेरे को जी रहे हम तो दोनों जने नहीं, काम ऐसा कर। नहीं, जरूर हम प्रशासन से मांग करेंगे कि आपके लिए कुछ अच्छा किया जाए, आपके घर में जरूर उजाला किया जाए। ड्यूटी मैंने करी थी, 35 साल ड्यूटी करी हो डब्ल्यू सेल में। ठीक है माता जी, हाँ तो देखा जाए, एक प्रकार से मानव अधिकार का हनन हो रहा है हमारे देश में। लोगों के यहाँ बिजली काट दी जा रही है कोरोना काल में, लोग बाग कहाँ जाए? कोरोना हाँ, काल का भी बहुत ज्यादा माहौल है, तो आप तो जा भी नहीं सकते घर छोड़ के कहीं। हम कहाँ जाएंगे कोरोना में, कोई मकान में देते किराया का। ये बात भी है। तो ये देखिए, ऐसी समस्या है लोगों में, मानव अधिकार बोलते हैं लेकिन मानव अधिकार का कितना हनन हो रहा है हमारे देश में। ये एक सिर्फ टार्च का उजाला, छोटा सा टार्च जिसमें लोग खाना खा रहे हैं, ये भैया खा रहे हैं, ये माता जी बैठी है। ठीक है दोस्तों।